रेडी। आज जो गाड़ी का मैं काम करने वाला हूँ, मैं आपको बता दूँ, ये गाड़ी है मारुति सुजुकी कंपनी की सिलेरियो है, जिसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका हेड गैस्केट उड़ गया है। हेड गैस्केट उड़ा क्यों, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। गाड़ी का हेड गैस्केट इसलिए उड़ा क्योंकि इस गाड़ी का जो नीचे आता टायर के अंदर से फेंडर लाइनिंग, वो फेंडर लाइनिंग नहीं है। और दूसरा, फ्यूज बॉक्स के ऊपर कवर रहता है, इसके ऊपर कवर रहता है, वो कवर भी नहीं है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि टायर के वजह से ये इसका हेड गैस्केट उड़ गया है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका फेंडर लाइन नहीं रहने के कारण से गाड़ी, बारिश आई पुणे में, अभी बारिश का सीजन चालू है, बारिश हो रहा है, तो बारिश आया, बारिश की वजह से क्या हुआ, टायर का जो कचड़ा रहता है, मिट्टी पानी वगैरह टायर में टकरा के फेंडर लाइनिंग नहीं रहने की वजह से सीधा फ्यूज में आया। इधर लेके आओ, दिखा तुम्हें, यहाँ देखिए दोनों साइड ही नहीं है, फेंडर लाइनिंग नहीं रहने की वजह से पूरा डस्ट आप देख रहे हैं, पूरे में कीचड़ है, देखिए पूरे में कीचड़ भरा हुआ है, और इधर भी पूरे में कीचड़ भरा हुआ है। तो क्या हुआ है कि यहाँ फेंडर लाइनिंग नहीं था इस साइड, और फ्यूज बॉक्स के ऊपर कवर नहीं था, तो पानी जो टायर से उड़ा ना, वो फ्यूज बॉक्स के अंदर आया, पूरे में मैं साफ करके लिया हूँ, पूरे में ही गंदगी था, अभी भी इधर गंदगी है ही, तो फ्यूज बॉक्स में गया, और जाने के बाद क्या हुआ, सारे फ्यूज उड़ गए, और इसके जो रिले है ना, ये फैन का रिले है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, फैन का रिले भी जल गया, ये देखिए ये फैन का रिले जल गया, जिसके कारण हुआ क्या, ये रिले जल गया, ये सारे रिले जले हुए, रिले जलने के कारण क्या हुआ कि इसका फैन, ये जो फैन रहता है, जो टेम्परेचर अगर हमारा 50% जाता है, ऑटोमेटिक फैन चालू हो जाता है, तो रिले जल गया, जिसके कारण से फैन जो है बंद हो गया, सप्लाई उसे गई नहीं, फैन हो गया बंद, तो ओवर हीट हो गया गाड़ी, और ओवर हीट होने की वजह से इसका हेड गैस्केट उड़ गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि फेंडर लाइनिंग नहीं रहने की वजह से इस गाड़ी का हेड गैस्केट उड़ गया है। हेड गैस्केट उड़ा है, तो नॉर्मली अगर मैं हेड गैस्केट खाली चेंज करता हूँ गाड़ी का, तो 7 से 8 हज़ार रुपये कॉस्ट में इनका गाड़ी का इंजन खुल के हेड गैस्केट डल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें 7 से 8 हज़ार में मैं कर दूंगा, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या होता है, ओवर हीट होने के बाद इसका फेस आउट हो जाता है, एल्युमिनियम ब्लॉक है, एल्युमिनियम हेड है, तो इसमें क्या रहता है, एल्युमिनियम गर्म जब ओवर हीट हो जाता है तो उसका फेस आउट हो जाता है, तो मैं उसको फेस करा दूंगा, फेस कराने के बाद गैस्केट डाल दूंगा, काम हो जाएगा। साथ में ओवर हीट होने के बाद एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके अंदर जो वाल रहता है, तो डायरेक्ट वाल रहता नहीं है, वाल ऑयल सील वाल गाइड सब लगा रहता है, और ये सब जो होता है वो फाइबर की चीज़ होती है, तो ओवर हीट होने के बाद क्या होता है, वो मिल्ड हो जाता है, पिघल जाता है, जिसके कारण क्या है, मैं फेस करा के 7000 ले लूंगा क्लाइंट से अपने, और प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दूंगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या 10 दिन या 1 महीने के बाद क्या होगा कि गाड़ी में नॉकिंग आ जाएगी, गाड़ी बराबर से परफॉर्मेंस करेगा नहीं, गाड़ी पिकअप पकड़ेगी नहीं, गाड़ी बहुत ज़्यादा ही नॉकिंग करेगी। तो इस केस में क्या रहता है, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 10000 से 15000 के आसपास जाएगा कॉस्ट, लेकिन इसमें हेड खोलो तो हेड गैस्केट डालो ही डालो, साथ में ओरिजिनल हेड गैस्केट डालो, और दूसरा कि इसके वाल का भी काम कराओ, वाल पूरे नए डलवा दो, या तो वाल ऑयल सील वाल गाइड ये सब नए डलवा दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार रुपये कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद जो काम होएगा वो लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। तो मैं इसका पूरा काम करने वाला हूँ, और पूरा डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ कि हेड खोलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ खोलने की ज़रूरत पड़ती है, और मैं आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ खोलूँगा मैं इसका, इनलेट मैनिफोल्ड, एडजस्ट मैनिफोल्ड, टाइमिंग चेन खोल के बाहर निकालूंगा, आगे का फ्रंट बम्पर वगैरह खोल के सब बाहर निकालूंगा, उसके बाद हेड खुलेगा। हेड कहते हैं किसे, हेड हो गया हमारा ब्लॉक आता है, ब्लॉक के ऊपर एक पार्ट रहता है जिसमें हमारा वाल वगैरह सब रहता है, ऑक्सीजन लेने का काम वही करता है और छोड़ने का भी काम वही करता है, वाली के अकॉर्डिंग रहता है, इनलेट और एडजस्ट वाल रहता है उसमें। तो ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हेड के ब्लॉक जो रहता है, ब्लॉक के ऊपर हेड फिट रहता है, तो वही मैं अभी खोल के बाहर निकालूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरे को खोलने में काफी टाइम जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को मैं फास्ट करूंगा।
तो फाइनली हमने जितना सर्किट था हमने सबको निकाल के बाहर लिया है, और ये वाला जो मैनिफोल्ड लगा हुआ था इनलेट का, उसे मैंने खोल के साइड कर दिया है, और ये तीन कॉइल को भी हम बाहर निकाल देंगे और इसे भी उठा देंगे। टैपिट कवर हमारा निकल गया, इसको साइड। ये कैम शॉप रहता है, दो कैम शॉप रहता है, ये इनलेट का कैम शॉप रहता है, ये एग्जॉस्ट का कैम शॉप रहता है। मतलब ये कैम शॉप से एंट्री होती है ऑक्सीजन की, और इससे जो है वो डिसएंट्री होती है, हमारा जो स्मोक निकलता है वो इसके जरिए निकलता है। जब ये ओपन होता है तो ये डाउन होता है, ये जब ये डाउन होता है तो ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है। तो यही सिस्टम रहता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए इस पे लिखा हुआ है आई, आई से इनलेट, ई से एग्जॉस्ट, तो ये लिखा रहता है। ये चीज का ध्यान में रख के इसे खोला जाता है। अगर ये कैप मैं इधर लगा दूंगा और ये कैप इधर लगा दूंगा तो ये क्या होगा कि कैम शॉप लॉक हो जाएगा और ये कैम शॉप चलते चलते अचानक से टूट जाएगा, जिसके वजह से इंजन में ब्लास्ट भी हो सकता है या इंजन क्रैक हो सकता है, जो भी होता है तो प्रॉब्लम आ जाएगा काफी। तो ये सब चीज का हमें ध्यान रख के खोलना पड़ता है। फाइनली बहुत टाइट था इसका इंजन पुल्ली, हमने खोल के निकाला है, देख खुल चुका है, रहन दो खुल गया, निकल लो बाहर। फ्लाईव्हील को हमें स्क्रू ड्राइवर से लॉक करना पड़ता है, उसके बाद खोलना पड़ता है इसे। ये बहुत पूरा टाइमिंग इसी पुल्ली पे रहता है, इसीलिए बहुत जाम रहता है ये। और हमें हेड खोलने के लिए टाइमिंग, ये कवर है, टाइमिंग कवर चेंबर ये खोलना पड़ता है, इसीलिए हमें ये टाइमिंग पुल्ली खोल के निकालना पड़ता है, इंजन पुल्ली। तो फाइनली दोस्तों अभी जो हमारा है टैपिट कवर खुल गया, चेंबर खुल गया, अभी हम जो खोलेंगे इसका टाइमिंग कवर खोल के बाहर निकालेंगे। टाइमिंग कवर हमें खोलना पड़ता है, टाइमिंग कवर खोलने के लिए हमें चेंबर खोलना पड़ता है, चेंबर इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी मैं टाइमिंग कवर खोलने के लिए मुझे फाउंडेशन खोलना पड़ेगा, फाउंडेशन खोलूंगा तो मेरा इंजन जो है वो थोड़ा डाउन होगा, फिर मैं अंदर का जो नट बोल्ट है वो इजीली मेरा खुलेगा, तो मैं इसका फाउंडेशन खोल के बाहर निकाल लेता हूँ पहले।
तो फाइनली हमारा जो है सारा कुछ खुल चुका है, टाइमिंग कवर, चैम्बर, उसके बाद मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड सब मैंने खोल के बाहर निकाल दिया है। अभी मैं जो इसका वाल्व कैम शॉप है, कैम शॉप का मैं खोल के लूँगा। ये कैम शॉप का खोलने से पहले इस पर जो डब्बी रहती है इस पर, ये देखो आई लिखा हुआ है, आई से इनलेट, और इस पर लिखा हुआ ई, तो ई से एग्जॉस्ट, यहाँ से ये डब्बी जो है ये देख के खुला जाता है और दिमाग में रखा जाता है इसे कि ये ऊपर की साइड में है। आई जो लिखा हुआ है ऊपर की साइड में, ई जो है वो डाउन की साइड में है। तो मैं इसे खोल लूँगा, कैम शॉप खोल के बाहर निकालूंगा, क्योंकि कैम शॉप इसलिए खोलना पड़ता है, कैम शॉप के अंदर आता है हेड का बोल्ट, और हेड का बोल्ट भी अगर खोले तो हम हेड निकाल नहीं सकते, तो हेड के बोल्ट खोलने के लिए हमें कैम शॉप खोलना पड़ता है। तो फटाफट से मैं 8 की टी से खोल के लूँगा। तो फाइनली मैं इसका जो भी है कैप निकाल लूँगा। कैम शॉप के सारे कैप पे लिखा हुआ है नंबर, और नंबर के अकॉर्डिंग ही लगेगा, ये सारे पे नंबर लिखे रहते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग हमें लगाने का है। ये दोनों कैम शॉप मेरा ले ले, पूरा मेरा साइड से ले, इधर से ले, ये दोनों कैम शॉप और इंजन के साथ से। उधर से फोटो लेने गए, फोटो बोले तो फोटो में वीडियो में वीडियो लूंगा मैं, उसका हेड के बोल्ट खोलूंगा, 10 नंबर के हेड के बोल्ट रहते हैं। इसमें सारे बोल्ट रहेंगे 10 के, एक बोल्ट रहेगा वो रहेगा 12 नंबर। मैं ये 10 के बोल्ट जितने हैं सबको निकाल लेता हूँ। सारे तो बोल्ट हैं वो 10 के हैं, एक बोल्ट इस कोने में देता है कॉर्नर पे, यहाँ पे ऑयल की लाइन रहती है हेड में, इसीलिए यहाँ पे एक 12 का बोल्ट देता है, तो 12 का बोल्ट भी हमें खोलना पड़ेगा। इसे भी हमने खोल के निकाल दिया, ये है 12 का, सारे बोल्ट उस साइड। Thank you.
ले मेरा वीडियो ले। यह है इसका हेड गैस्केट जो कि जल चुका है पूरी तरीके से, और यह रहता है इसका पिस्टन। पिस्टन पे पूरा पानी आ गया है, तीनों पिस्टन पे। गाड़ी न्यूट्रल करो जरा, इसका पिस्टन टॉप पे लेके चेक करेंगे कि पानी गिरने की वजह से 17 का पाना। रबर है, तो